मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास. टुडे आई एम विथ चैप्टर 10, थंबलीना. थंब मीन्स, डू यू नो, दिस इज आर थंब. बट वॉट इज लीना? वी विल रीड द चैप्टर एंड वी फाइंड आउट वॉट इज द मीनिंग ऑफ थंबलीना. बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, लेट्स डू द एक्टिविटी. छुक छुक. फाइंड दीज फ्लावर्स इन दिस वर्ड सर्च. चिल्ड्रन, देयर आर मेनी फ्लावर्स नेम. We will find out these flowers name in this grid. Okay. Next है, which of these is the national flower of India? इन सब में से कौन सा national flower है? Anybody knows? Yes, national flower is lotus. This is a lotus flower. तो our national flower is lotus. Let's start the reading. This is a story about a woman who wished she had a बेबी. इन दिस चैप्टर जो ये स्टोरी है, एक वुमेन की, एक लेडी की है, जिसकी विश मीन्स डिजायर, क्या इच्छा है. शी हैड अ बेबी, उसको क्या चाहिए, एक बेबी. अ फेयरी गेव हर अ वंडरफुल गिफ्ट. इट हेल्प द वुमेन टू गेट अ वेरी स्पेशल बेबी. इन दिस चैप्टर द वुमेन वेंट टू द फेयरी एंड आस्क फॉर अ बेबी एंड द फेयरी गेव अ गिफ्ट एंड फ्रॉम द गिफ्ट She got a special baby. There once lived a woman who had no child. Once there was a woman, but she has no child. That's why she was very unhappy, very sad. If she feel lonely, she was very sad and lonely. वो बहुत अपने आप को अकेला अकेला फील करती थी, बहुत उदास रहती थी, क्योंकि उसके पास कोई भी बेबी नहीं था. One day she went to a fairy and asked her. क्या करती है, फेयरी के पास जाती है और उससे क्या कहती है, I would like to have a child. मुझे क्या चाहिए, एक बेबी चाहिए, एक बच्चा. child means छोटा बेबी चाहिए. Can you tell me where I can find one? क्या आप मुझे बता सकते हो कि वो मुझे कहाँ से मिलेगा. लिखा हुआ ना, where I can find one, मैं उसको कहाँ से ढूंढ सकती हूँ, कहाँ से ले सकती हूँ. अब जब फेयरी सुनती है, वो क्या कहती है, ओ आई कैन हेल्प यू, सेड द फेयरी. फेयरी ने कहा, ओ इतनी सी बात है, बस आपको एक बेबी चाहिए, ये तो मैं ही आपकी हेल्प कर दूंगी. हियर इज अ मैजिकल सीड, पुट इट इन टू अ फ्लावर पॉट एंड योर विश विल कम ट्रू. फेयरी ने कहा, फेयरी ने उसको एक मैजिकल सीड दिया और कहा कि इसको अब घर जाकर अपने फ्लावर पॉट में प्लांट कर देना, फ्लावर पॉट में डाल देना, और जो भी आप विश मांगोगे ना इस मैजिकल सीड से, तो वो आपकी ट्रू हो जाएगी. अब जब फेयरी ने ऐसा कहा तो वुमेन बहुत हैप्पी हो गई. एंड जब हैप्पी हो जाते और आपको कोई गिफ्ट देता है, तो हम क्या बोलते हैं, लेट्स सी, थैंक यू. क्या बोलते हैं हम, थैंक यू, सेड द वुमेन. वुमेन ने क्या कहा फेयरी को, थैंक यू. क्यों बोला था, क्योंकि फेयरी ने वुमेन को एक मैजिकल सीड दिया था, जिससे कि वुमेन की विश पूरी हो जाएगी और उसको एक बेबी मिल जाएगा. शी वेंट होम. अब वुमेन जो है वो घर आ जाती है एंड प्लांटेड, प्लांटेड मीन्स उसको ग्रो कर देती है फ्लावर पॉट में, द सीड, सीड को फ्लावर पॉट में प्लांट करती है. इन अ फ्यू डेज, फ्यू डेज मीन्स आफ्टर सम डेज, इट ग्रू. जो इट मीन्स सीड था, वो ग्रू किस में चेंज हो गया, इनटू अ लार्ज फ्लावर, एक फ्लावर बन गया. इट पेटल्स, पेटल्स मीन्स जो उसकी लीव्स हैं, सुंदर सुंदर फ्लावर की लीव्स होती है ना, इट्स अ पार्ट ऑफ फ्लावर. पेटल वर टाइटली क्लोज, पहले तो जो फ्लावर है ऐसे टाइटली क्लोज था. इट वॉज स्टिल अ बड, जब हमारा कोई फ्लावर ऐसे बंद होता है तो दैट इज कॉल्ड अ बड, तो अभी वो बड है. इट इज सच अ ब्यूटिफुल फ्लावर, सेड द वुमेन. वुमेन ने क्या कहा, वाओ कितना सुंदर फ्लावर है ये तो. शी किस्ड द रेड पेटल्स, वुमेन ने जो उसकी पेटल्स थी रेड कलर की, उसको प्यार किया, उसको बड़े अच्छे से किस किया कि कितना सुंदर है, इट इज लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल एंड शी वॉज वेरी हैप्पी. हर लिप्स जेंटली, जेंटली मीन्स सॉफ्टली, हर लिप्स जेंटली टच द पेटल, बड़े सॉफ्टली वो उस पेटल को टच कर रही थी, क्योंकि फ्लावर तो वैसे ही सॉफ्ट होता है, तो जो वुमेन थी वो भी बड़े सॉफ्टली उसको टच कर रही थी. एंड द फ्लावर ओपन, जब उसने टच किया
तो जो बर्ड था उसकी जो बर्ड की पेटल्स थी वो ओपन हो गई, और वो ओपन होने से क्या बन गया, एक ब्यूटीफुल फ्लावर। और उस फ्लावर के अंदर से विद इन द फ्लावर सैट अ वेरी टाइनी, टाइनी मीन्स स्मॉल, फ्लावर के अंदर एक छोटी सी प्यारी सी, टाइनी मीन्स स्मॉल एंड लवली गर्ल, एंड सैट मीन्स बैठी हुई थी, छोटी प्यारी सी बच्ची बैठी हुई है उस फ्लावर के अंदर। शी वॉज ओनली एज बिग एज थंब, वो कितनी बड़ी थी, एज बिग मीन्स थंब के जितनी ही बड़ी थी। अब वो फ्लावर के अंदर तो बहुत बड़ा बेबी नहीं आ सकता ना, तो फ्लावर में वो बहुत ही प्यारा छोटा सा नन्ना मुन्ना बेबी है, और वो किसके जितना बड़ा है, सिर्फ थंब के जितना। और हम सबका थंब कितना बड़ा है, सबको पता है ना थंब कितना बड़ा होता है, तो वो बेबी सिर्फ उतनी ही थी। द वुमेन वॉज वेरी हैप्पी टू सी द लिटिल गर्ल, अब जब वुमेन ने देखा, नाउ शी वॉज वेरी हैप्पी, शी वॉज वेरी एक्साइटेड टू सी द लिटिल गर्ल, उसने उस छोटी सी प्यारी सी बच्ची को देखा और बहुत हैप्पी हुई। द फेयरी हैड गिवन हर द चाइल्ड शी वॉन्टेड, इट मीन्स फेयरी ने उस मैजिकल सीड में उसको क्या दिया था, बेबी, जो फेयरी से वो चाहती थी, तो फेयरी ने उसको एक लिटिल बेबी दिया। शी नेम्ड हर थंबलीना, अब आपको पता चला थंबलीना उसने क्यों रखा, जो लिटिल गर्ल मिली थी ना वुमेन को, वुमेन ने उसका नाम क्या रखा, थंबलीना। और क्यों रखा, क्योंकि वो थंब के जितनी ही बड़ी थी, इसीलिए इस चैप्टर का नाम थंबलीना है, थंब के जितनी बच्ची थी वो थंबलीना, और एज टाइनी एज थंब। थंबलीना का मीन्स क्या है, वॉट इज द मीनिंग ऑफ थंबलीना, एज टाइनी एज थंब, इसीलिए वुमेन ने अपनी बेटी का नाम थंबलीना रखा, क्योंकि वो थंब के जितनी छोटी और प्यारी थी। होप चिल्ड्रन यू अंडरस्टूड, एंड प्लीज रीड वेरी केयरफुली एंड अंडरस्टूड। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।